जय हिंद। मैं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। आज हैप्पीनेस इंडिया पे मैं आपको मिलवाऊंगा, इंट्रोड्यूस कराऊंगा दो ऐसी शख्सियत से जो अब हैप्पीनेस इंडिया के साथ जुड़ने वाले हैं और आप सभी के साथ वो न्यूज़ साझा करेंगे जो कहीं और दिखाई नहीं देती है, जो ऐसी बारीकी और हैप्पीनेस से जुड़ी हुई जानकारियाँ जिसको देख के जिसको सुन के आपको लगेगा कि हाँ हमें हैप्पीनेस इंडिया के साथ जुड़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब हम पूर्वांचल से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ अलग से साझा करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड ये सारे रीजन को, पूर्वांचल को हम कवर कर रहे हैं जिसको लेके नीति आएंगी। नीति जी मेरे साथ है तो सबसे पहले नीति से बात करते हैं। नीति जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं न्यूज चैनल में इसीलिए आई कि मुझे न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट था। मैं अदर खबर को एकदम पहले से पहले फॉलो करना जानती थी, पहले से पहले लेके आना जानती थी। इसमें मेरा इतना इंटरेस्ट था कि मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी लाइन ज्वाइन करूं जिससे इस लाइन में मैं आगे बढ़ सकूं। इसीलिए मैं इस चैनल पे आई हूं और मुझे इस चैनल पे काम करने का मौका मिला है। तो मैं इस चैनल के जरिए आप सभी को पूर्वांचल की तरोताज़ा खबर आपको दूंगी और आगे की खबर जानने के लिए या आप पूर्वांचल से जुड़ी खबर जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पे आएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद। तो पूर्वांचल से खबरें जो लेके आएंगे आप, वो किस तरीके की खबरें, वो आपने कुछ प्लान बना लिया है वो भी, मैं हालांकि वो सब हमें पता है फिर भी दर्शकों को बताने के लिए, किस तरीके की खबरें लेके आएंगे, मनोरंजन वाली, पॉलिटिक्स वाली या सभी मिक्स करके खबरें लेके आएंगे? पूर्वांचल से जुड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर हम दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर जो नहीं पहुंच पाती है उन दर्शकों को हम पहुंचाना चाहते हैं। जैसे पॉलिटिक्स से जुड़ी हो गई, महिला से जुड़ी हो गई या मनोरंजन जगत से जुड़ी, इन सारे खबरों को हम इस चैनल के थ्रू साझा करना चाहते हैं। तो जरूर देखिएगा पूर्वांचल से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं नीति को हम अपने चैनल पे, बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से अध्ययन करके फिर उसके बाद आपके पास खबरें लेके आएंगे। और जो पूर्वांचल से जुड़ी हुई बारीकी जानकारी और आपके बीच में भी आया करेंगे, अब धीरे धीरे यूपी इलेक्शन आ रहे हैं तो आपके बीच में भी आएंगे हम, आप सभी जितने भी पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग हैं सबके बीच में जाके आपकी भी राय लेंगे कि क्या आपसे जुड़ी हुई बातें चल रही हैं, आपकी भी अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो आने वाले दिनों में जल्दी हम पूर्वांचल की खबरें लेके आ रहे हैं, तो उससे पहले आप हमें फॉलो करना शुरू कर दिए। कौशिक जी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कौशिक जी आपके पास लेके आएंगे ट्रेवल से जुड़ी हुई जानकारी और सीधे चलते हैं कौशिक जी के पास। हाँ जी कौशिक जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, नमस्कार। मैं हैप्पीनेस इंडिया से जुड़ गई हूँ अभी और मैं आपके लिए ज़्यादातर ट्रैवल से रिलेटेड और वुमेन राइट्स के लिए जितने भी कंटेंट होंगे मेरी तरफ से मैं आपके पास लेकर आऊँगी एंड जितना भी हो सके आप मुझे फॉलो करिए। तो जो आप ट्रैवल से जुड़ी हुई जानकारी और जो वुमेन राइट्स की जो हमने प्लान बनाया है जो हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो किसी को कहीं भी नहीं मिल पाती है। जैसे ट्रैवल से जुड़ा हुई जानकारी अगर किसी को कहीं घूमने जाना है या कोई प्लान बनाना है तो वो गूगल पे जाते हैं या फिर अपने दोस्तों से पता करते हैं। तो इस पे क्या आपने प्लान बनाया, क्यों मतलब हम आपको देखेंगे या हमारे ट्रैवल वाले प्रोग्राम को वो देखना पसंद करेंगे, तो इसके क्या रीज़न है थोड़ा सा बताएंगे आप? एक्चुअली लोग जब कहीं भी जाने के लिए डिसाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कि कहाँ कौन सी साइट यूज़ करें, रिलेटिव से सजेशन ले, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कंटेंट उठा के लाते हैं कि स्पेसिफिक जगह के लिए कौन कौन सी जगह बढ़िया है जाने के लिए, ये सब चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि आपके पास लेके आने के लिए। तो ये हमने बता दिया ट्रैवल से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी के पास लेके आ रहे हैं, इसके अलावा तो वुमेन राइट्स से जुड़ी हुई खबरें आप सभी के पास लेके आएंगे जिसमें छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों को बाल मजदूरी करवाना हो या और उनके साथ उत्पीड़न हो वो सारी जानकारी भी देंगी। इसके साथ आपको उन लोगों से मिलवाएंगी कौशिक जी जो एक अपने आप में इंस्पिरेशन है, जो महिला जिसने बड़े संघर्ष के साथ आगे बढ़े हैं और उसके बाद वो देश में मिसाल बन गई हैं, तो उन लोगों से भी आपसे जुड़ेंगी और उनका इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, उनका इंटरव्यू भी लेंगे, तो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक्चुअली देखा गया है कि हमारे पास एजुकेशन सिर्फ डिग्री और डॉक्यूमेंट्स में होती है, बट अगर बात करी जाए कि वुमेन्स को अपने राइट्स के बारे में कितनी नॉलेज है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि नॉलेज इतनी भी होती है कि वो अपने राइट्स सही टाइम पे यूज़ कर सके। तो मेरा मेन फोकस ये है कि हमारे इंडिया की जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी वुमेन हैं, बच्चे हैं, वो अपने राइट्स को सही जगह सही टाइम पे यूज़ करना सीखें।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, पर अभी भी महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, बाल मजदूरी को लेके, बच्चियों के साथ जिस तरीके की परेशानी आ रही है, या फिर हम घर में दहेज की बात करें और घर के अंदर के वायलेंस की बात करें, तो वो सभी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर गाँव के बीच में जाएंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि गाँव में जाके, छोटे शहरों में जाके उन लोगों से बातचीत करके उनकी दुख दुविधा को आपके साथ साझा कर सके और वो दूर हो सके प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर। साथ ही ऐसी महिला शख्सियत को आपसे मिलवाएंगे जिसको सुन के, जिसको देख के देश और आप सभी दर्शक को एक इंस्पिरेशन मिले और आप अपने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तो ये सारी जानकारी हम आपके पास लेके आने वाले हैं। इसके अलावा एक और नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसको भी नीति और कोशी दोनों मिलके आप सभी के पास लेके आएंगे, वो हम शुरू करने जा रहे हैं फटाफट। 20 ऐसी खबरें जो पूरे देश से जुड़ी होगी, तो वो उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं कि ये दोनों कैसे प्रेजेंट करेंगे आप सभी के बीच में, क्योंकि आज मेरा रोल कम होने जा रहा है, इन दोनों का रोल बढ़ने जा रहा है। तो भैया मुझे भी देखते रहना, कहीं ऐसा ना करो कि इन नीति को और कोसी को ही आप देखना शुरू कर दो और मेरे को देखना बंद कर दो, क्योंकि महिलाओं का बोलबाला है भाई, तो ऐसा ना हो जाओ। तो मुझे भी देखते रहना और फॉलो करते रहना। तो नीति जी आपसे बात करेंगे कि 20 खबरें कैसे लेके आएंगे आप। 20 खबरें पूरे देश से जुड़ी होगी, जिसमें पॉलिटिक्स, महिला, बच्चे जो बाल मजदूरी करवाया जाता है, और भी जुड़ी जानकारी, मनोरंजन, सारी मिक्स करके 20 खबरें हम जनता तक पहुंचाएंगे एकदम जल्द से जल्द और 2 से 3 लाइन में। तो 20 खबरें जो बताया अभी आपने, 20 खबरें इसलिए चुना है हमने क्योंकि फटाफट 50, 100, 150 खबरें, 200 खबरें, उसमें क्या होता है कि एक ही खबरों को रिपीट कर करके बार बार दिखाया जाता है और आपके टाइम का भी बड़ा कंज्यूम होता है। टाइम की आजकल बहुत ज़्यादा जरूरत है, समय की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो ऐसी वो खबरें जिसकी एक्चुअल में आपको जरूरत है, मनोरंजन से जुड़ी हुई जानकारी, खुशियों से जुड़ी जानकारी, और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कोशिश जी से कि भाई कौन सी जानकारी आप 20 खबरों में डालेंगे, बताइए। जानकारी जो देश से रिलेटेड हो, हम एक ही लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि टाइम कम लगे उन चीज़ों के लिए, और ज़्यादा जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, डेली न्यूज़ हो गया, अपडेट्स जितने भी आ रहे हैं इन सब से। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब कि उन जो दर्शक हैं उनको कम टाइम लगेगा और वो सारी जानकारी देश की ले लेंगे, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको, आप हैप्पीनेस इंडिया पे आओगे तो आपको देश दुनिया की भी जानकारी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस की भी जानकारी मिलेगी, आपको एंटरटेनमेंट की भी जानकारी मिलेगी, आपको पॉलिटिक्स की भी जानकारी मिलेगी, साथ में आपको देखने को मिलेगा दी गॉड शो, जहां हम आपको इतिहास की, भारत के, हमारे भगवानों की, हिंदू देवी देवताओं की, साथ में अलग अलग धर्मों के जो ऐतिहासिक जानकारी है, रोचक जानकारी है, वो और ऐसी जगहें जो भारत के अंदर आज तक किसी ने देखी है ना सुनी है, वो सारे तथ्य आप सभी के पास लाना शुरू कर दिया हमने। दी गॉड शो आप जरूर देखिएगा, वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा शो है। इसके साथ में हैप्पीनेस विद फिटनेस, ये सारे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े चैनल होंगे, पर हमारे चैनल पे वो सारी जानकारी आपको मिलेगी जिसको देख के आपको लगेगा बस हैप्पीनेस इंडिया को देखना और किसी को नहीं देखना है। अब तो साथ में आप सभी के पास में नीति जी और कोशी जी भी जुड़ गई हैं, इसके अलावा हमारे राज चौहान है जो लगातार आपको हैप्पीनेस विद फिटनेस दिखा रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितनी भी वीडियोज आए, जितनी भी न्यूज सेक्शन आए, उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बार बार मैं कह रहा हूँ, वो जरूर करना है आपको। फॉलो हमें जरूर करते रहें, और आपके पास कोई अच्छी और हैप्पीनेस से जुड़ी हुई जानकारी या कोई भी खबर हो देश दुनिया से जुड़ी हुई, वो हमारे साथ मेल पे साझा करें, हमारी वेबसाइट के साथ साझा करें, जिसको हम आपके पास लेके आ सकें। अगर आपको अपनी कोई न्यूज़ भी चलवानी है तो हमारे एडवर्टाइजमेंट उसमें जाके या फिर हमारे न्यूज़ सेक्शन में जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, उसके बाद आपकी एडवर्टाइजमेंट या आपका न्यूज़ सेक्शन जो भी होगा वो भी हमारे चैनल के साथ साझा किया जाएगा, वो दिखाया जाएगा। अगर आपका कंटेंट सही होगा तो जरूर हम अपने साथ साझा करेंगे। देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया को, पसंद करते रहिए हैप्पीनेस इंडिया को। जय हिंद। लास्ट में इन दोनों का भी ले लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार में ही रह गए।